सेम उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड टू, फर्स्ट मैच, राउंड टू का फर्स्ट मैच हो गया। सेकेंड राउंड का नेक्स्ट मैच है विनर ऑफ फर्स्ट मैच, विनर ऑफ 3 vs 4, एंड वो नेक्स्ट बाय जो है इससे खेलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाफ है, ये आपस में क्लैश नहीं करेंगे बीच में, ठीक है। तो विनर ऑफ फर्स्ट मैच वर्सेस फिफ्थ नंबर, ये खाली था यहाँ पे, तो इससे इसका मैच हो रहा है। दिस इज मैच नंबर 4। ये आप देखिए एक लाइन में अगर बनाएंगे तो प्रॉपरली विजिबल रहेगा, प्रॉपरली देखने में सही रहेगा, अच्छे ढंग से हम देख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज मैच, अब इसको भी खेलना है, 6 को बाय मिला था, इसको भी खेलना है, और विनर ऑफ 7 vs 8, मैच नंबर 2 का विनर वर्सेस इसका जो जिसको ये बाय मिला था, इनका नेक्स्ट मैच होगा। दिस इज मैच नंबर 5। देन द लास्ट मैच ऑफ दिस राउंड इज बिटवीन ये 9 एंड 10, दोनों को बाय मिला, दोनों खाली हैं, बट दे हैव टू प्ले इन दिस राउंड, ओके। तो दिस वर्सेस, तो दिस वर्सेस 9 vs 10, दिस इज मैच नंबर 6, टूर्नामेंट का मैच नंबर 6। तो आवर सेकेंड राउंड इज ओवर नाउ, सेकेंड राउंड पूरा हो गया। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम अपर वन, फिर थर्ड राउंड वाला स्टार्ट होगा, फिर उनका मैच हमको स्टार्ट करवाना है ऊपर से ही, सीक्वेंस वही चलेगा। नाउ दिस वन इज राउंड नंबर 3। नेक्स्ट मैच विनर ऑफ थर्ड मैच वर्सेस विनर ऑफ फोर्थ मैच, नेक्स्ट मैच, दिस इज मैच नंबर 7। एंड नेक्स्ट मैच विनर ऑफ फिफ्थ मैच वर्सेस विनर ऑफ सिक्स्थ मैच, मैच नंबर 8। देन अब सेमीफाइनल, ये दोनों हमारा 7, मैच नंबर 7 और मैच नंबर 8, ये सेमीफाइनल था। नाउ यहाँ से जो विनर होगा दे विल क्लैश इन फाइनल्स। तो ये दोनों राउंड, दोनों हाफ की जो टीम्स हैं आपस में क्लैश कर रही हैं सिर्फ फाइनल में। दिस इज मैच नंबर 9, मीन्स 1 less than नंबर ऑफ टीम्स। तो 10 minus 1 n minus 1, नंबर ऑफ टीम्स माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस टूर्नामेंट में, नॉकआउट फिक्सचर में, टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, डिफरेंस जो हमने जो बनाया था, जो हमारा फिक्सचर गलत हो गया था उसमें आप देख रहे हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। एंड हियर नाउ यू कैन सी द फिक्सचर जो प्रॉपर चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है। हियर इसमें क्या होता है, जो नंबरिंग की हुई है लॉटरी निकलती है, थ्रू लॉटरी विल प्लेस डिफरेंट टीम्स, लॉटरी निकाल के डिफरेंट टीम्स को इन नंबर्स के सामने उनका नाम पेस्ट करते हैं। लाइक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लॉटरी निकाली, मान लो लास्ट ईयर का विनर था होली क्रॉस SCS, लास्ट ईयर का विनर, रनर अप था लास्ट ईयर का, दैट विल बी GGPS मान लीजिए, ठीक है, लास्ट ईयर का विनर। तो ये दोनों प्लेस पहले ऑक्यूपाई कर दिया है। सीडिंग विनर इज SCS इज विनर एंड GGPS इज रनर अप, तो दोनों को सीडिंग मिल गई, इनका प्लेसमेंट हो गया। नाउ बाकी 3 प्लेस रह गए, 3 टीम्स और टूर्नामेंट में खेलने वाली हैं, तो उनका फिर लॉटरी निकलेगा। लाइक MGM गॉट नंबर 2, MGM को मिला नंबर 2, राइट, तो उनका यहाँ नाम लिखा आएगा MGM। देन कैन से पेंटिकॉस्टल गॉट नंबर 4, तो उसका यहाँ पे नाम आ गया। द नेक्स्ट वन इज सेंट जेवियर्स गॉट नंबर 3, उनका यहाँ पे नाम आ गया। देन ये इनका नाम चला गया अकॉर्डिंगली, फिर इसमें बाय मिलेगा यहाँ पे, बाय 1, बाय 2, बाय 3, क्योंकि 5 से next 2 का power है 8, तो 3 टीम्स को बाय मिलेगा यहाँ पे, ये खेल रहे हैं आपस में। देन दिस इज फर्स्ट मैच, फिर आपसे खिलाना है हमको इसका वर्सेस ये सेकंड मैच, देन ये वर्सेस ये थर्ड मैच, एंड दिस वन विल बी
द फाइनल मैच नंबर फोर। तो ऐसे प्लेसमेंट होता है टीम्स को थ्रू लॉटरी, और सीडिंग टीम्स जो लास्ट के विनर एंड रनर अप उनको प्लेसमेंट करने के बाद बाकियों के लिए जो बाकी टीम्स जो बच जाती हैं उनका लॉटरी निकलता है। लॉटरी के थ्रू जो नंबर उनको डिसाइड होता है, मतलब टीम्स का नाम, जो जो टीम्स पार्टिसिपेटिंग हैं उनके नेम्स कॉल होते हैं, और उनका जो स्लिप होता है, नंबर स्लिप होता है, वो पिक किया जाता है, और उसके जो जो उनके नाम पे नंबर आया उस नंबर पे उनका नाम लिख दिया जाता है। ये फिक्सचर पहले बन जाता है, ये फिक्सचर बनाने के बाद फिर ये इनकी प्रेसिंग होती है ताकि कोई दिक्कत ना रहे, किसी को ये ना रहे कि इसका उससे मैच उसका नंबर निकल गया या उससे कुछ गड़बड़ कर दिया किसी ने। तो ये फिक्सचर हमको नंबर ऑफ टीम्स मिल जाती है उनको, देन वील मेक दिस फिक्सचर, आफ्टर मेकिंग दिस फिक्सचर देन वी आर प्लेसिंग दीज टीम्स, देन हमारा लॉटरी निकलता है और ये टीम्स का प्लेसमेंट होता है यहाँ पे अलग अलग जगह पे। सो यू कैन सी नाउ दिस इज़ द फिक्सचर, दिस इज़ द फिक्सचर इन केस नंबर ऑफ टीम्स आर नॉट इन द पावर ऑफ टू। अगर नंबर ऑफ टीम्स टू की पावर में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पे 10 है वो टू की पावर में नहीं है, तो कैसे हमको फिक्सचर उसमें बनाना है, हमको बाय देना, पहला बाय हमको ध्यान रखना है, पहला बाय सबसे नीचे, यही सीक्वेंस यही चलेगा हमेशा, पहला बाय सबसे नीचे, सेकंड बाय द टॉप मोस्ट वन, थर्ड बाय हाफ के नीचे वाला जो फर्स्ट टीम है, लोअर हाफ का जो फर्स्ट टीम है उसको थर्ड बाय, फिर अपर हाफ का लास्ट टीम है उसको फोर्थ बाय। तो सीक्वेंस वही चला, लोअर अपर मिडिल मिडिल, फिर सेम सीक्वेंस चलेगा, फिफ्थ बाय होगी तो फिर लोअर अपर मिडिल एंड मिडिल। तो फिफ्थ बाय हमने दिया यहाँ पे 9 को, फिर से लोअर सबसे लोअर का सेकंड लास्ट जो टीम है उसको दिया, फिर अपर में चले गए सिक्स्थ बाय सेकंड को दिया, अपर का सेकंड नंबर पे जो है उसको दिया। अगर सेवन्थ और एट्थ बाय भी होती तो फिर हम लोग देते 7 को एंड 4 को, सेवन्थ एट्थ बाय, मतलब सीक्वेंस वही चलेगा, लोअर अपर मिडिल एंड मिडिल, यही रूल के हिसाब से यही सीक्वेंस चलना चाहिए। सो नाउ इन केस नंबर ऑफ टीम्स आर इन ऑड नंबर, अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड नंबर में है, देन हाउ विल वी मेक नॉकआउट फिक्सचर। उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, फिक्सचर वैसे ही रहेगा, बस दो हाफ्स में जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, टीम्स को जो दो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स ऑड नंबर में है तो नेचुरली एक हाफ में एक टीम ज़्यादा होगी, एक हाफ में एक टीम कम होगी, तो वो कैसे डिसाइड होता है बस उसी में डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सीक्वेंस कैसे बाय देना है या कैसे बाय निकलेगा, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग चेंज। फॉर एग्जांपल इफ नंबर ऑफ टीम्स आर 11, अगर 11 टीम्स हमारी पार्टिसिपेटिंग हैं तो हम इसका फिक्सचर कैसे बनाएंगे, सेम फर्स्ट विल राइट 1 2 3, तो नंबर ऑफ टीम्स आर 11। नाउ हाउ विल वी डिसाइड कि किस हाफ में कितनी टीम्स रहेंगी, किस हाफ में कितनी टीम रहेंगी, उसके लिए फार्मूला है, फॉर दैट देयर इज अ फार्मूला, इन केस ऑफ नंबर ऑफ टीम्स आर इन ऑड नंबर, उसके लिए फार्मूला है दो हाफ में डिवाइड करने के लिए फॉर अपर हाफ। सो टू डिसाइड नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ फार्मूला इज एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 11 प्लस 1/2 इज 6। ओके, तो नंबर ऑफ टीम्स आर 6, अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स आर 6, सो टू डिसाइड नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ द फॉर्मूला इज एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू 11 माइनस 1/2 इट्स 5। तो दिस फार्मूला, अगर आपको क्वेश्चन आता है टू शो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स, तो ये पूरा फार्मूला विद दिस फार्मूला यू हैव टू राइट एवरीथिंग, ये फार्मूला के साथ आपको लिखना है, अदरवाइज अगर आप ये फार्मूला पूरा नहीं पुट करते, पूरा फार्मूला लगा के नहीं लिखते, देन यू विल गेट हाफ मार्क्स, सिर्फ फिक्सचर का जो मार्क्स है वो मिलेगा, प्रोसेस का मार्क्स आपका कट जाएगा। सो यू हैव टू राइट दिस होल प्रोसेस, देन टू शो द नंबर ऑफ बायस, नाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ बायस, हाउ मेनी नंबर ऑफ बायस, तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू इज,
सो द नेक्स्ट पावर ऑफ टू, इलेवन के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ टू इज हियर 16. फोर, एट इज लेस देन 16 एंड फोर एट इज लेस देन 11, बट 32 और 32 भी उससे हायर है, बट नेक्स्ट हायर वी हैव टू टेक द नेक्स्ट हायर टू द पावर. जो नेक्स्ट इस नंबर ऑफ टीम से जो नेक्स्ट हायर टू का पावर है उसको लेना है हमको. तो नेक्स्ट हायर टू द पावर इज 16. तो वी विल सब्सट्रैक्ट, हम माइनस करेंगे 16 से नंबर ऑफ टीम्स को. तो नंबर ऑफ नेक्स्ट टू का पावर इज 16 माइनस नंबर ऑफ टीम्स ऑफ और 11, तो 5. 5 टीम्स विल गेट, 5 टीम्स विल गेट बाय इन फर्स्ट राउंड, दे आर एग्जेम्प्टेड टू प्ले इन फर्स्ट राउंड. ओके, नेक्स्ट हम लोग का, अब हमने देखा था अपर हाफ में 6 टीम्स हैं, लोअर हाफ में 5 टीम्स हैं. और नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे हमको टीम्स को दो हाफ में डिवाइड करना है. उसके लिए एक लाइन सेंटर में हम खींच देंगे 6. अपर हाफ में हमारा 6 है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. तो इसके डिसाइड यहाँ पे हमको एक लाइन कर देना है सेंटर में टू शो द हाफ. तो ये आपस में क्लैश करेगा ओनली इन फाइनल, उससे पहले आपस में क्लैश नहीं करना चाहिए. अगर क्लैश होता है तो हमारा फिक्सर गलत हो गया. तो अपर हाफ में हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टीम्स, लोअर हाफ में 1, 2, 3, 4, 5, अपर हाफ 6 टीम्स, लोअर हाफ 5 टीम्स. नाउ नंबर ऑफ बायज आर 5, 5 बाय देना है हमको, 5 टीम्स को फर्स्ट राउंड में एग्जम्प्ट करना है. सो पहला बताया, पहला बाय हमेशा पहला बाय सबसे लोअर, जो टीम सबसे लोअर में है उसी को बाय नंबर 1 मिलता है. बाय नंबर 2 अपर हाफ का फर्स्ट टीम, बाय नंबर 2 सीक्वेंस यही चलेगा, 5 बायज देना है हमको. थर्ड बाय लोअर हाफ का अपर केस, बाय नंबर 3. नेक्स्ट बाय बाय नंबर 4 अपर हाफ का लोअर केस, बाय नंबर 4. नेक्स्ट बाय नंबर 5 सीक्वेंस फिर नीचे आ गया है, नीचे स्टार्ट हो गया, फिर हमारा बाय नंबर 5 मिलेगा 10 को, बाय नंबर 5. तो ये हमारे 5 बाइस, 5 टीम्स को एग्जम्प्ट होना था, जो कि एग्जम्प्ट हो गए. बच गई टीम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6. 6 टीम्स बच गई, 5 टीम्स पहले ही नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई, 6 में से 3 टीम्स नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगी, सेकेंड राउंड में पहुंचेंगी. तो 5 और 3 टीम्स जो खेल के आगे पहुंची, जीत के आगे पहुंची, तो 5 + 3, 8, तो वो फिर 2 का पावर में, 8 फिर 2 का पावर में आ गया. तो वहाँ से फिर फिक्स्चर को एक सीक्वेंस चलाने में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर कोई बाय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये हमारा स्टार्टिंग पोजिशन हो गया. अब वी विल स्टार्ट नाउ राउंड 1. राउंड 1 अब हमारा मैच, जो जो टीम्स खाली हैं, जिनको बाय नहीं मिला है, जिन टीम्स को बाय नहीं मिला है, वी हैव टू स्टार्ट मैच इन बिटवीन देम. उनका मैच आपस में उनको खेलना है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम अप, हमको मैचेस ऊपर से करना है. 1 इज एग्जेम्प्टेड, वो तो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगा. 2 इज देयर, 2 एंड 3 बोथ आर फ्री, उनको बाय नहीं मिला है. सो दे विल प्ले विद ईच अदर, दिस इज आवर मैच नंबर 1. टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच ये होगा हम लोग का. देन 4 एंड 5 इज ऑल्सो फ्री, सो दे विल प्ले विद ईच अदर, दिस इज मैच नंबर 2. देन 6 को बाय मिला, इट मींस वो एग्जेम्प्टेड है फर्स्ट राउंड खेलने से. 7 को भी बाय मिला है, वो भी एग्जेम्प्टेड है फर्स्ट राउंड खेलने से. नाउ 8 एंड 9 दे आर फ्री, तो इनका आपस में मैच होगा मैच नंबर 3, टूर्नामेंट का मैच नंबर 3. एंड 10 एंड 11 बोथ आर गेटिंग बाय, दोनों को बाय मिला, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड इट मींस ओवर हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट विद सेकेंड राउंड, राउंड 2. अब सबको सेकेंड राउंड में सबको खेलना है, आइदर जिनको बाय मिला है, जिन्होंने मैच खेला है, सबको खेलना है सेकेंड राउंड में. तो यहाँ का विनर, इस मैच का विनर, फर्स्ट ये जो इसको बाय मिला था फर्स्ट, इसको नेक्स्ट राउंड में खेलना है, तो दे विल प्ले विद द विनर ऑफ फर्स्ट मैच. फर्स्ट मैच के विनर से ये लोग खेलेंगे, ठीक है, इस मैच के विनर से ये खेलेगा. तो दिस इज मैच नंबर 4, टूर्नामेंट का मैच नंबर 4. नेक्स्ट वन इज 3, इसको भी खेलना है आप सेकंड राउंड, सबको खेलना है सेकंड राउंड में. तो विनर ऑफ मैच नंबर 2 वर्सेस ये 6 को जिसको बाय मिला था, इसको भी खेलना है, इसके साथ इसका मैच होगा. दिस इज मैच नंबर 5. नेक्स्ट
B3 जिसको मिला था 7 नंबर, इसको भी बाय मिला था. नाउ दे विल प्ले विद द विनर ऑफ थर्ड मैच. इस मैच के विनर से इसको खेलना है. दिस इज आवर मैच नंबर 6. नेक्स्ट वन इज ये दोनों को बाय मिला था. दे विल प्ले विद ईच अदर. दिस इज मैच नंबर 7. और सेकेंड राउंड इज ओवर. ये क्वार्टर फाइनल राउंड खत्म हो गया हम लोग का. नाउ सेमीफाइनल राउंड, राउंड नंबर 3. नाउ दे विल प्ले विद ईच अदर. ये दोनों जो विनर ऑफ मैच नंबर 4 वर्सेस विनर ऑफ 5. अब देख रहे हैं सीक्वेंस हम लोग मैच का चला रहे हैं. अप से डाउन जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ लेते जा रहे हैं, फिर यहाँ से भी ऊपर से नीचे किया हमने, फिर यहाँ से भी गेम खिलाना है, ऊपर से नीचे खिलाना है हमको गेम. तो विनर ऑफ मैच नंबर 4 वर्सेस विनर ऑफ मैच नंबर 4 वर्सेस विनर ऑफ मैच नंबर 5. विनर ऑफ मैच नंबर 4 वर्सेस विनर ऑफ मैच नंबर 5. दिस इज आवर मैच नंबर, यहाँ 7 था तो ये मैच नंबर टूर्नामेंट का 8 हो गया. देन नेक्स्ट मैच विनर ऑफ मैच नंबर 6 वर्सेस विनर ऑफ मैच नंबर 7. दिस इज आवर मैच नंबर, यहाँ 8 था तो यहाँ पे 9 हो गया. नेक्स्ट ये राउंड, दिस राउंड इज अगेन ओवर. ये सेमीफाइनल राउंड था. यहाँ तो देखा आपने कहीं भी दोनों हाफ की टीम्स ने आपस में कहीं भी क्लैश नहीं किया. इट मीन्स हमारा ये सीक्वेंस, हमारा ये फिक्चर सही गया. अब हमको खिलाना है फाइनल में दोनों हाफ आपस में क्लैश करेंगे. अब तो यहाँ पे विनर ऑफ मैच नंबर 8 वर्सेस विनर ऑफ मैच नंबर 9. ये हो गया हमारा मैच नंबर 10. सो आपने ये देखा नंबर ऑफ टीम्स आर 11 और नंबर ऑफ मैचेस आर लेस माइनस 1 10. नंबर ऑफ मैचेस में 10 हुए तो यही रहेगा एंड नंबर ऑफ मैचेस वो भी आपको शो कर देना है. सो यू हैव टू शो दिस ऑल्सो. नंबर ऑफ मैचेस आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10. तो 10 मैचेस टूर्नामेंट में टोटल 10 मैचेस होंगे, सिर्फ 10 मैचेस होंगे, राइट. सो इन दिस वे वी कैन मेक अ फिक्चर ऑफ एनी नंबर ऑफ टीम, चाहे वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है. एनी नंबर ऑफ टीम्स, चाहे वो अगर हम नंबर ऑफ टीम्स लेते हैं 21. इफ़ द नंबर ऑफ टीम्स आर 21 तो हम क्या करेंगे, हम उससे अपर केस नंबर ऑफ टीम से ऊपर अपर केस जो 2 का पावर है दैट इज़ 32. तो वी विल माइनस सब्ट्रैक्ट 32 माइनस 21. नंबर ऑफ टीम्स आर 21 तो 32 माइनस 21 इज इक्वल टू 11. 11 टीम्स को बाय मिलेगी. उस केस में 11 टीम्स विल गेट बाय. ओके सेम अगर आपका नंबर ऑफ टीम्स अगर 19 होती हैं तो भी 19 से अपर केस 2 का पावर है 32. 32 से 19 माइनस करेंगे बच गया 13. तो 13 टीम्स को बाय मिलेगी. इफ इन केस नंबर ऑफ टीम्स आर 33. इन केस नंबर ऑफ टीम्स आर 33 तो उसका नेक्स्ट 2 का पावर आ गया 64. तो 64 से 33 टीम्स होने के बाद वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 64 माइनस 33 इज इक्वल टू कितना हुआ 31. 31 टीम्स को बाय मिलेगी. ओनली 2 टीम्स विल प्ले फर्स्ट मैच, राइट. तो यही चाहे नंबर ऑफ टीम्स कितनी भी हो जाए, ऑड नंबर में है इवन नंबर में है, दिस ऑल यू हैव टू राइट, यू हैव टू डू. तो यही था हमारा फिक्शन, नॉकआउट फिक्शन कैसे बनाना है. ऑड नंबर, इवन नंबर एंड इन केस ऑफ नंबर ऑफ टीम्स आर इन द पावर ऑफ 2 उस केस में, और इन केस नंबर ऑफ टीम्स आर नॉट इन द पावर ऑफ 2 चाहे वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है, कैसे हमको इसको फिक्शन बनाना था. दिस इज ऑल. थैंक यू.